CEIR एक वेबसाइट है जो हमारे भारत सरकार द्वारा लागू किया गया है ताकि हम अपना खोए हुए फोन को घर बैठे कैसे ब्लॉक कर लें। ये वीडियो देखने से पहले मैं आपको एक चीज इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि फोन खोने के बाद क्या क्या करना है, मैंने कुछ स्टेप बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो, माय नेम इज अडियोगा मैक्स और टेक चैनल पर आपका स्वागत है। आपको सिंपली गूगल पर सर्च करना है CEIR.gov.in। उसके बाद आपको फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना है जो CEIR लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्लॉक लॉस्ट फोन, तो देख लेते हैं कि क्या क्या डिटेल भरना है और कैसे भरना है। डिवाइस इन्फॉर्मेशन में वो चीज डालना है जो आपके फोन में है, लाइक फोन में कौन सा सिम है, उसका फोन नंबर क्या है, दो सिम है तो दोनों का फोन नंबर डालना है, अगर एक ही सिम है तो एक को खाली छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर EMI नंबर डालना है, फिर दूसरे सिम का EMI नंबर डालना है, डिवाइस ब्रांड में अपने फोन का ब्रांड का नेम डालना है लाइक सैमसंग, जो भी आपके फोन का ब्रांड हो। यहाँ से आपको डिवाइस का मॉडल नंबर डालना है, फिर उसके बाद इस वाले ऑप्शन पर जैसे ही आएंगे अपलोड मोबाइल परचेज इनवॉइस, तो यहाँ से अपने फोन का जो खरीदे हैं उसका डॉक्यूमेंट क्या है, यहाँ से आप फोटो चूज कर डाल सकते हैं। लॉस्ट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर आपको खोए हुए जगह का नाम, पुलिस कंप्लेन, ऐसी चीजें को फिल करना है। लॉस्ट प्लेस में आप उस जगह का नाम डालें जहाँ पर आपका फोन खो गया था, उस स्टेट का नाम डालें, उसके बाद उस डिस्ट्रिक्ट का नाम डालें। यहाँ पर आपको डेट फिल करना है कि आपका फोन कब खो गया था। पुलिस कंप्लेन नंबर में आपको पहले पुलिस कंप्लेन करवानी पड़ेगी कि हमारा फोन चोरी हो गया है, वहां पर आपको एक पुलिस कंप्लेन नंबर मिलेगा जो इसमें फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेशन फिल करना है, जो पुलिस स्टेशन में आप कंप्लेन दर्ज करवाए हैं उसका यहाँ पर पुलिस स्टेशन का नाम डालना है। उसके बाद आपको यहाँ अपलोड पुलिस कंप्लेन मिलेगा, यहाँ पर वो चीज अपलोड करनी है जो आपको एक पुलिस स्टेशन में एक कागज मिलेगा जो कंप्लेन का होगा, वो यहाँ से फोटो खींचकर आपको डालना है। मोबाइल ऑनर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन डालना है जो कि मोबाइल मिल जाए तो पुलिस आप तक पहुँचा पाए। यहाँ पर आपका नाम डालना है, यहाँ पर आप कहाँ अभी हैं वो एड्रेस डालना है, उसके बाद आइडेंटिटी डालना है लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, यहाँ पर आइडेंटिटी नंबर डालना है, उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। जैसे ही मोबाइल नंबर डालकर OTP वाले पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा OTP का, यहाँ से OTP आप डाल सकते हैं। उसके बाद पूरा सबमिट होने के बाद आपको यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आपका फोन मिल जाता है तो अनब्लॉक फाउंड मोबाइल पर जाकर यहाँ से उस ID का नाम डाल सकते हैं, उसके बाद फोन नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पर डालना है कि हमारा फोन कैसे मिला, पुलिस के थ्रू कि खुद से मिल गया, ये चीजें डालनी है आपको, या अदर रीजन। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है जो ब्लॉक करते समय डाले थे, उसके बाद एक OTP आएगा और फिर से अनब्लॉक कर सकते हैं अपने IMEI नंबर को। फिर थर्ड नंबर आता है चेक रिक्वेस्ट स्टेटस, यहाँ से आप अपने ID नेम डालकर ये देख सकते हैं कि हमारा फोन का स्टेटस क्या है, मतलब पुलिस उसे खोज रही है या नहीं। इस वीडियो को लाइक कर सेव कर लो, क्या पता कब काम पड़ जाए, क्योंकि फोन चोरी होने के बाद ट्रू इन्फॉर्मेशन खोजना YouTube पर बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आप पहले से ही अलर्ट रहे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वेलकम है हमारे चैनल पर, और हमारा वीडियो अभी तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।